गाइस बहुत सुना है इस जंगल के बारे में। सुना है यहाँ पे कोई वेंडिगो नाम का क्रिएचर रहता है। अब वो सच में है या कोई लेजेंड है? लेट्स फाइंड आउट। सुना है वेंडिगो आधा इंसान है और आधा राक्षस, बट आधा इंसान होके वो इंसानों को कैसे खा सकता है? फिर तो तुम बच गई सिमिया। Shut up man, what do you mean? अरे बंद क्यों कर रही हो? मत शूट करो। अरे वो कभी भी आ जाएगा, प्लीज। ये कैसी आवाज है? गाइस वहां कुछ है। रुक मैं देखता हूँ। नहीं रौनक मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। तुम लोग यहीं पे रुको, मैं देखता हूँ। गाइस तुम लोग फालतू में परेशान हो रहे हो, कोई नहीं है वहां पे। लगता है किसी की जान खतरे में। मेरा यकीन करो, मैं हूं ना, तुम मेरी आंखों में देखो प्लीज। तुम्हारा सारा का सारा डर निकल जाएगा, प्लीज मेरी आंखों में देखो। कौन है वहां पर? मैं कहता हूं कौन है वहां? बाहर आओ, कौन है वहां पर?
हेलो सर। हेलो। हेलो मैम, आप लोग अंदर चलिए, मैं सामान लेकर के आता हूँ। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते साहब। नमस्ते मेम साहब, मेरा नाम शन्नू है और मैं यहाँ की देखभाल करती हूँ। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझे याद कीजिए। नहीं, फिलहाल किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना करो कि हमारा सामान अंदर रखवा दो। पहुंच जाएगा। वैसे आप लोग खाने में क्या लेंगे, फिश, चिकन या मीट? नहीं, हम प्योर वेजिटेरियन हैं और जब तक हम यहाँ पर रहेंगे सिर्फ प्योर वेजिटेरियन खाना बनेगा। ठीक है, जब तक आप लोग यहाँ हैं तब तक। चलो जया। सर, ये आप लोगों का रूम है, आप लोग फ्रेश हो जाइए, तब तक हम लोग आपके नाश्ते का बंदोबस्त करते हैं। थैंक यू जी। सुनो बेटा, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो? अरे रुको, सुनो तो। अरे बेटा रुको, कहाँ जा रही हो? सुनो, कहाँ गई? सुनो बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये जंगल तुम्हारे ठीक नहीं है, मैं कुछ पूछ रही हूँ ना, सुनो तो। ये बच्ची कहाँ चली गई? बच्ची कहाँ चली गई और ये मुझसे भाग क्यों रही है?
कौन है वहां पर? मैंने पूछा कौन है वहां? देखो सामने आओ, मैंने कहा सामने आओ। मैंने तो मुझे डरा ही दिया था। और बेटा तुम अकेले जंगल में कर क्या रही हो? और बेटा तुम्हारे मम्मा पापा कहाँ हैं? हाँ हम उसे डरो मत, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। हम जंगल से बाहर चलते हैं, फिर तुम्हारी मम्मी पापा को ढूंढेंगे। बेटा रो मत, मैं हूं ना साथ में। मैंने कहा ना मैं तुम्हारे मम्मा पापा को ढूंढूंगी। आपको किसी ने बताया नहीं ये काले घने जंगल में कितना खतरा है? क्या कर रही हैं आप यहाँ? देखो ना मैं इस जंगल से डरती हूँ और ना के जंगली जानवरों से। मुझे यहाँ रहने की आदत है। जंगल और जंगली जानवरों से डर नहीं लगता होगा, लेकिन जो यहाँ है उससे लगेगा। वो उन सबसे ज्यादा खतरनाक है। कौन है यहाँ पर? किसकी बात कर रहे हैं आप? आपकी भलाई इसी में है कि आप जल्द से जल्द यहाँ से वापस लौट जाएं, वरना कुछ भी हो सकता है। सिर्फ पछताना होगा, जैसे मैं। ये कहाँ चला गया? जया, सुदीप, तुम यहाँ अकेले? नहीं सुदीप, वो बच्ची, छोटी बच्ची, वो आदमी, सुदीप, वो बच्चा आदमी, क्या बात कर रही हो तुम? मैंने देखी, मैं जिसका पीछा करती हूँ आई, छोटी सी बच्ची है वो, सुदीप उसकी मम्मी पापा भी उसके साथ नहीं है सुदीप, प्लीज हमें उसे ढूंढना होगा सुदीप। काम डाउन। अच्छा, तुम दोनों कोई भी बच्ची अगर जंगल में मिलती है तो फौरन हमें रिपोर्ट करो। जया, हम भी घर वापस चलते हैं, इन्हें जैसे कोई बच्ची मिलेगी हमें तुरंत बता देंगे। टेंशन मत लो, तुम चलो चलो चलो। सिर्फ एक पोस्टिंग की बात है जया, इसके बाद मैं वादा करता हूं कि फिर कभी तुम्हें ऐसी जगह नहीं लाऊंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें ये जंगल, ये सन्नाटे बिल्कुल पसंद नहीं। इसके बाद मैं किसी ऑफिस में पोस्टिंग ले लूंगा। शादी से पहले तो तुमने सुदीप यही कहा था ना, फायदा क्या हुआ? शादी के बाद लेकर तो तुम मुझे जंगल में ही आए हो। सुदीप तुम नहीं समझ रहे हो, जब से मैं इस जंगल में आई हूँ ना मुझे अजीब सा फील हो रहा है, अजीब अजीब चीजें हैं यहाँ पर। मैं जानता हूँ, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। यहाँ का ऑफिसर अचानक गायब हो गया, वैकेंसी फिल करने के लिए ऊपर से ऑर्डर आ गया, इसलिए तुमने प्रॉमिस तोड़ दिया सुदीप। लोग सुदीप, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि मैं शहर में पली बड़ी हूँ, लोगों के बीच नहीं हूँ मैं। इस जंगल का सन्नाटा मुझे काटने को दौड़ता है सुदीप, क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? लोग
यहाँ नहीं रह सकती। कल तुम सुबह ड्यूटी पर चले जाओगे, कौन रहेगा मेरे साथ? बोलो, अकेली पड़ जाऊंगी मैं, बिल्कुल अकेली। तुम अकेली नहीं हो, हर पल मैं हूं तुम्हारे साथ। और घबराओ मत, हम जल्दी यहां से चले जाएंगे। मेम साहब, खास आपके लिए बनाया है। क्या हुआ जया? कीड़े? सैलड ही तो है। सब कि क्या किया आपने? इतने प्यार से मैंने बनाया था और आपने सब गिरा दिया। Are you okay, जया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सुदीप। I think I need rest. जया, जया। इतनी रात गए ये बच्चे यहां क्या कर रहे हैं? ए! रुको, जंगल में कहां जा रहे हो? सुदीप, सुदीप,
स्नेप! कौन है यहाँ इतनी रात में, कर क्या रहे हैं ये लोग? ए रुको, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? ये कोई मजाक नहीं है, मौका खत्म होने से पहले यहाँ से निकल जाओ, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। नीचे उतारो मुझे। कोई है? कहाँ गए तीनों के तीनों? मुझे माफ कर दो जया, ये सब मेरी गलती है। तुम मुझे बोलती रही और बस मैं अपने मन की करता रहा,
हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जय, तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें वापस लेके चलूंगा। आई प्रॉमिस। आज हम इस जंगल में आए हैं ये पता लगाने कि वेंडिगो सच में है या फिर कोई। कहते हैं वेंडिगो आधा इंसान है और आधा राक्षस, बट आधा इंसान होके वो इंसान कैसे खा सकता है? ये तो वो लोग हैं जो गाइस, तुम लोग फालतू में परेशान हो रहे हो, कोई नहीं है वहां पे। ये क्या है? ये सब लोग इसी आदमखोर का शिकार हुए हैं, मतलब ये सब आत्माएं हैं जो हमें बार बार ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि हमारी जान को खतरा है। अब मैं खुद इस खूनी दरिंदे को खत्म करूंगा। कौन हो तुम और यहां इतनी रात को क्या कर रहे हो? मेरा नाम जयवीर है, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते कि तुम किसका सामना करने जा रहे हो। तुमसे पहले कई और फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने मेरी चेतावनी को अनदेखा कर दिया था, नतीजा उनमें से कोई भी उसका अंजाम बताने के लिए जिंदा नहीं बचा। तुम भी वही गलती दोहरा रहे हो। ये क्या बकवास कर रहे हो? जो कहना है साफ साफ कहो। वेंडिगो, वो हम सब में से किसी को नहीं छोड़ेगा। मैं भी आया था यहां पर इसी जंगल में एक साल पहले अपनी बेटी के साथ, जब ये जगह एक टूरिस्ट स्पॉट हुआ करती थी। सुबह से चल चल के पापा के पैर दुख गए। अब तुम्हें मजा आया ना? हाँ पापा, मुझे बहुत मजा आया। मैंने वहाँ पे शेर देखा, भालू देखा, बड़ा मजा आया। शेर देख के मेरी अनीता बेटी को डर नहीं लगा? तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। पापा मेरी डाल गिर गई। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे यहाँ आने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। नीता, पापा! नीता! 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 तब से मैं इसी घने जंगल में भटक रहा हूं ताकि उस आदमखोर को ढूंढकर अपनी बेटी की मौत का बदला ले सकूं। लेकिन तुम्हें सबसे गुजरने की कोई जरूरत नहीं। तुम अपनी बीवी को लो और भाग जाओ, तुम्हारे पास मौका है। और यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि वेंडिगो का शिकार हुई हुई दूसरी आत्माएं भी तुम्हें चेतावनी दे रही। लगता है वेंडिगो यहीं कहीं है, मुझे निकलना होगा। ए रुको, ए! लैंडस्लाइड के कारण यहां से निकलना इम्पॉसिबल है।
और ऐसे अजीबोगरीब क्रिएचर के होते हुए जया भी सेफ नहीं है। मुझे हर हाल में उसे खत्म करना होगा। गोलियां तो खत्म हो गई। था यहाँ से निकल जाओ, पर तुमने हमारी बात नहीं सुनी तो अब भुगतो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। अब तुम्हें मरना ही होगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? हाँ साहब, ये लोग सही बोल रहे हैं। विजय, सुरेश, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या हो गया तुम्हें? हम भी मर चुके हैं। हम भी वेंडिगो का शिकार है साहब, और आप भी नहीं बचोगे। Thank you.
सुदीप, कहाँ हो तुम? चेतावनी देने की कोशिश की थी पर तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब बहुत देर हो चुकी है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो तुम लोग? तुम लोग कौन हो? वो शापित है। उसने हम सबके जीवन को निगल लिया। अब तुम भी नहीं बचोगे। मतलब एक दिन हमारे गांव में बहुत बड़ा अकाल आया। उस अकाल की वजह से लोग मरने लगे और उस दिन उस आदमखोर का जन्म हुआ और साथ में उसकी बच्ची भी आदमखोर बन गई। दादाजी भीम हमारा चाचा, दादाजी भीम हमारा चाचा, दादाजी भीम हमारा चाचा। एक और बाकी है। मैं जानती हूं वो कौन है। कौन है वो? शन्नो। आ! आ! आ!